लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को लेकर मारवाड़ी युवा मंच ने किया रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेसियों ने बापू को फूलमाला पहनाकर लगाया बापू अमर रहे का नारा। नगर पालिका पाली के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मनाया। रैली निकालकर की सड़क की साफ सफाई। देश भर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती धूमधाम से मनाई। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली रैली, दिया स्वच्छता रखने का संदेश। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को लेकर मारवाड़ी युवा मंच ने एक रंगारंग कार्यक्रम कटिहार की हृदयस्थली एमजी रोड पर किया, जहां आयोजित कार्यक्रम लोगों के बीच एक जागरूकता संदेश छोड़ गया कि महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर लोगों को चलना चाहिए। इस दौरान कांग्रेसियों ने बापू को फूलमाला पहनाकर बापू अमर रहे का नारा लगाया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रेम कुमार राय का कहना है कि बापू के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और आज भी बापू हम लोगों के दिलों में है। आज गांधी जयंती का आयोजन जिले के विभिन्न स्थानों पर अपने अपने अंदाज में मनाया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक की भी शानदार प्रस्तुति दी गई। वहीं दूसरी ओर स्काउट गाइड के सदस्यों ने इसे एक अलग ही अंदाज में मनाया। जिला मुख्यालय स्काउट गाइड के बच्चों ने सर्वधर्म प्रार्थना, स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक के दुष्परिणामों को लेकर रैली और जागरूकता अभियान चलाया। स्थानीय दुर्गा मंदिर में दुकानदारों को प्लास्टिक के प्रयोग के प्रति जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग मारवाड़ी युवा मंच कटिहार की पूरी टीम एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांधी जी का जो सपना था स्वच्छ भारत अभियान, उस सपना को साकार करने के लिए आम जनता को, आम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। इस नाटक का शीर्षक है गांधी चौक। इसमें हम लोग यह दर्शा रहे हैं जहाँ पर गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है और जिनका यह उद्देश्य था कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत रहे, उनकी मूर्ति के चारों तरफ कचरा फेंका हुआ है। लोग 2 अक्टूबर को आते हैं उनके मूर्तियों के आसपास, उनका जहाँ पे भी चौक है वहाँ का साफ सफाई करते हैं और माले अर्पण करके चले जाते हैं। लेकिन ये चीज़ साल में एक बार ना हो, ये लोग हमेशा इस चीज़ के लिए सजग रहें और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते रहें। नगर पालिका पाली के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम रैली निकालकर रास्ते में पड़े प्लास्टिक, गुटखे के पाउच और अन्य कचरे को नगर पालिका अध्यक्ष उषा कोल, उपाध्यक्ष रामधनी प्रधान, नगर निरीक्षक राजेश चंद्र मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आभा त्रिपाठी समेत सभी नागरिकों ने स्वयं कचरा उठाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। यहाँ से रैली निकलने के बाद स्कूल ग्राउंड में भव्य आयोजन किया गया। यहाँ अध्यक्ष उषा कोल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उषा कोल ने कहा कि प्रदेश में पूर्णतः सिंगल प्लास्टिक यूज प्रतिबंध के अभियान के तहत हम सभी को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए और जूट व कपड़ों से बने थैलों का उपयोग करना चाहिए। इसी तरह मुख्य नगर पालिका अधिकारी आभा त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें शासन से दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस स्वच्छता ही सेवा एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के तहत मनाया जाए। कार्यक्रम के दौरान शासकीय स्कूलों के बच्चों ने स्वच्छता पर संदेशित मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और प्रतिभागी सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। बच्चों की प्रस्तुति के बाद नगर पालिका में कार्यरत उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सिंगल प्लास्टिक यूज को पूर्णतः त्याग करने मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सामूहिक शपथ दिलवाई। इस दौरान नगर पालिका ने 10,000 जूट से निर्मित थैलों का वितरण किया और निवेदन किया कि इसी तरह के थैलों का आप सभी उपयोग करें। उमरिया से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती, 150वीं जयंती के अवसर पर हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म दिवस है, हम उसकी भी शुभकामनाएं अपने नगरवासियों को देते हैं। आज ये 2 अक्टूबर के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान जो हमारे नगरीय प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है,
इसकी जो मुख्य थीम है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन और ये प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए हमने एक जागरूकता रैली नगर में निकाली जिसे प्लॉगिंग रन का नाम दिया गया था। वो बहुत ही सफल रैली रही और हमने उसमें कचरे पिक करते हुए और रैली निकाली। इसके अलावा स्कूल के बच्चों के द्वारा स्वच्छता जागरूकता पे कार्यक्रम दिए गए और हमारे जो अतिथि आए थे उनके द्वारा प्लास्टिक बैन के लिए जागरूकता के संदेश दिए गए। इस प्रकार से ये और इसके साथ साथ हम अपने उत्कृष्ट कर्मचारियों को हमारे द्वारा यहाँ से पुरस्कार वितरण किया गया जो स्वच्छता में विशेष योगदान दे रहे हैं। और इसके अलावा एक विशेष हमारे द्वारा प्रयास किया गया था हमारी नगर पालिका के द्वारा कि हमारे व्यापारियों को हमने कुछ कपड़े के थैले वितरित किए हैं सैंपल के रूप में जागरूकता लाने के लिए कि वो अब आज से तक कपड़े के थैलों का ही उपयोग सामान देने में करेंगे। और साथ में हमने उनसे आग्रह किया है कि वो आने वाले सभी जो खरीदार हैं जो नागरिक हैं उनसे आग्रह करेंगे कि साथ में वो कपड़े के थैले लेके आएँ ताकि हम प्लास्टिक उपयोग को बंद कर सकें। इसी के साथ एक मैं और इसमें जानकारी देना चाहूँगी, हमारी नगर पालिका के द्वारा निकट भविष्य में जल्दी ही बर्तन बैंक तैयार किया जा रहा है जिसमें हमें अपने नगरवासियों के द्वारा जो कार्यक्रम होंगे समारोह होंगे वो नगर पालिका से बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे बर्तन प्राप्त कर सकेंगे और उसका उपयोग अपने घरों में कर सकेंगे ताकि उनको सिंगल यूज प्लास्टिक जो ये है अपने थर्मोकोल के बर्तन हैं और ये प्लास्टिक बर्तन हैं ये नहीं खरीदने पड़े। सबसे पहले तो मैं गांधी जी की जयंती में सबको देशवासियों को नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज का जो कार्यक्रम था उसमें अब सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उसको छोटी हमेशा के लिए उसे बंद करना चाहते हैं, इसलिए हमने नगर में जागरूकता एक रैली भी निकाली और यहाँ पे स्वच्छता के माध्यम से संदेश भी दिया कि हमें प्लास्टिक कम करना। देश भर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई जिसमें स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर जगह जगह रैली निकालकर देश को स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में खरगोन में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई जिसमें जिला कलेक्टर गोपाल चंडाट, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे, नगर पालिका सीएमओ निशिकांत शुक्ला, स्थानीय विधायक रवि जोशी सहित कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति सराहनीय रही। बुधवार को आयोजित गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के विचारों को लेकर नगर पालिका द्वारा सफाई, स्वच्छता और पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का संदेश देकर रैली का आयोजन किया जिसमें स्कूली बच्चों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान विधायक रवि जोशी ने आमजन से अपील की कि स्वच्छता को अपने जीवन में उतारे और प्लास्टिक का उपयोग बंद करे। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। देखिए 2 अक्टूबर से जो है वो जितना भी डिस्पोजल प्लास्टिक है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसके उपयोग तथा बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसी दिशा में आज गांधी जयंती के अवसर पर सारे शहर के गणमान्य नागरिकों और अधिकारीगणों द्वारा माल्यार्पण के कार्यक्रम किए गए गांधी जी की प्रतिमा पर और सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से हमने एक यहाँ पर बर्तन बाजार और कपड़े के झोले के बाजार की स्थापना की है जिसका कि हम अभी शीघ्र ही शुभारंभ करने वाले हैं। और इसके साथ ही आपके घरों में जो प्लास्टिक बचा है या जो भी पुराने कपड़े बचे हैं वो आप उनको दान करेंगे तो हम जो है उससे प्लास्टिक का तो हम रिसाइकल कर लेंगे और जो कपड़े आप देंगे उससे हम थैलियाँ बनाकर वितरित करेंगे। इस दिशा में जो है हम प्रतिबद्ध है कार्य करेंगे। कितना कारगर सर साबित होगा नगर पालिका की पहल, ये सर पहली बार इसे पहल हो रही है पूरे प्रदेश में? देखिए आप समझ रहे हैं कि खरगोन विगत 3 वर्षों से नगर पालिका की श्रेणी में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है और चौथी बार हम लोग फिर से नए सिरे से जो है इस अभियान में लगे हुए हैं। प्लास्टिक को जैसा कि आप जानते हैं हम लोग साल भर पूर्व ही प्रतिबंधित कर चुके हैं और जो डिस्पोजेबल मटेरियल है उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक अंकुश लगा लिया है। आज से जो अभियान प्रारंभ होगा निश्चित रूप से हम 100% जो है इसमें कामयाबी हासिल करें। सर कृषि और थोक विक्रेता जो अभी प्लास्टिक की पन्नियों को उपयोग कर रहे हैं इनके लिए कोई जागरूकता अभियान चलाएंगे क्या? देखिए इनके लिए जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं, आगे भी हम चलाएंगे और आप देख रहे हैं कि हमने बड़े बड़े भारी भारी जुर्माने किए हैं। थोक जो प्लास्टिक की थैलियाँ कोई विक्रेता है उन पर हमने 50,000 रुपये तक जो है जुर्माना किया है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हम इस अभियान के माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि कृपया आप प्लास्टिक को ना कहें और स्वच्छ परिवेश, स्वच्छ वातावरण बनाने में सहयोग करें। आज पूरे नगर के गांधी जी के विचारों को मानने वाले तमाम सारे लोग
गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करी। साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण की एक रैली का आयोजन किया गया था, जिस रैली को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बिगन गांव के विधायक आदरणीय भूमा सोलंकी जी, जिलाधीश आदरणीय गोपाल चंद नाग साहब, हमने और हमारे साथियों ने उस रैली को हरी झंडी बताकर स्वच्छता सर्वेक्षण का जो संकल्प खरगोन नगर के नागरिकों ने, क्षेत्र के नागरिकों ने, जिले के नागरिकों ने किया, उसको और आगे बढ़ाया है। मैं आप सबसे भी और आपके माध्यम से तमाम क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ कि स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्यक्रम को हम सबको मिलकर आज 2 अक्टूबर के मौके पर प्लास्टिक पॉलिथीन को प्रतिबंधित करने का करा गया है, क्या लगता है कि जागरूकता फैलेगी इससे? निश्चित ही प्लास्टिक प्रतिबंध होना चाहिए, एकदम हम ये कोशिश करें कि आज से ही प्रतिबंध हो जाए। धीरे धीरे हमको हमारे विचारों में, रोज की दिनचर्या में प्लास्टिक को दूर करना पड़ेगा। निश्चित ही प्लास्टिक से जो हानि हो रही है उस हानि को हमको जनता को बताना पड़ेगा, तो जनता जरूर मानेगी, प्लास्टिक से परहेज करेगी, प्लास्टिक हमारी जो दिनचर्या में आ चुका है उसे हमको दूर करेगा। गांधी जयंती के अवसर पर भाजपा और कांग्रेस अलग अलग होती नजर आ रही है, गजेंद्र पटेल जी को भी आज आमंत्रित करा था, लेकिन क्या हुआ? गजेंद्र पटेल जी को निश्चित ही आमंत्रित करा था, अभी हमने CMO साहब से पूछा कि आपके इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के सांसद जी नहीं पहुंचे, उन्होंने कहा वो रास्ते में, निश्चित ही रास्ते में होंगे, तो जो बड़वानी थे या दिल्ली थे ऐसी कुछ जानकारी थी वो भी आएंगे। दिन भर गांधी जयंती के कार्यक्रम खरगोन के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले विपिन जो नगर पालिका अध्यक्ष, वो भी नदारद रहे। अब कौन कौन नदारद है तो आपकी आंखें देखेगी, आपका काम है देखने का। हम सब जो आज गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं वो गांधी जयंती के अवसर पर सारे कार्यक्रमों में शामिल। सनावत के MD जैन कॉलोनी की 22 लाख की लागत से बनने वाली प्रमुख सड़क निर्माण का भूमि पूजन विधायक बिरला और वार्ड पार्षद मीना राठौर ने किया। सड़क भूमि पूजन के दौरान झाबुआ उपचुनाव प्रभारी बनाए गए विधायक सचिन बिरला ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया, जिसके बाद विधायक बिरला सहित अन्य प्रतिनिधि त्रिकोण चौराहे पर शहर सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत करने पहुंचे। विधायक बिरला ने बताया कि अभियान के दौरान ई नगर पालिका, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल शक्ति अभियान, युवा स्वाभिमान एवं स्वरोजगार योजनाएं, निर्माण कार्य, पॉलिथीन मुक्ति, पर्यावरण जागरूकता, शहरी परिवहन, महिला सुरक्षा, बेसहारा गौवंश आदि से जुड़ी समस्याओं का निदान स्थानीय निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा 2 से 22 अक्टूबर तक किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका राकेश चौहान ने बताया कि अभियान के क्रियान्वयन हेतु वार्डवार नगर पालिका कर्मचारियों के दलों का गठन किया गया। आज MD जैन कॉलोनी के मुख्य मार्ग का भूमि पूजन हुआ है और शीघ्र काम चालू होने वाला है। भैया, उपचुनाव है झाबुआ में, आपको प्रभारी बनाया था, इस बार हारे हुए सांसद को जो है उनको मौका दिया है, सामने युवा प्रत्याशी है, क्या चुनौती है? दोनों पार्टी का अपना अपना टिकट देने का एक नीति निर्धारण होती है, वो उनके हिसाब से कर रहे हैं। हमारे अगर हमारे वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया जी, उनको पार्टी ने टिकट दिया है और कांग्रेस पार्टी। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा बालकों को सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मालवा प्रांत के शाजापुर विभाग का 2 दिवसीय संस्कृति महोत्सव, विज्ञान मेला एवं वैदिक गणित समारोह का आयोजन काला पीपल के सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित किया गया। इस समारोह में 28 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन शिशु, बाल, किशोर एवं तरुण वर्ग में आयोजित किया गया, जिसमें 21 स्थानों के लगभग 400 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। आयोजित प्रतियोगिताओं में चित्रकला, रंगोली, निबंध लेखन, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य, तबला वादन, एकल अभिनय, व्यक्तिगत गीत व विभिन्न प्रकार के प्रश्न मंच एवं विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान मॉडल पर आधारित प्रतियोगिताएं संबंधित विषयों के निर्णायक मंडल द्वारा संपन्न करवाई गई। सभी विजेताओं को मंचस्थ अतिथियों के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। काला पीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। ये वास्तव में विद्या भारती का जो लक्ष्य है, और लक्ष्य है कि वर्तमान में जो जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जीवन मूल्यों में जो कमी आ रही है, समाज में अच्छे व्यक्तियों का अभाव आ रहा है, ऐसे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने की दृष्टि से विद्या भारती ने लक्ष्य लिया है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो,
इस दृष्टि से उनका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, उनका मानसिक विकास भी होना चाहिए। और इस दृष्टि से हमने शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। ये संस्कृति महोत्सव के माध्यम से हमने तय किया है कि इसमें अनेक प्रकार की विधाओं के माध्यम से भैया बहनों का मानसिक विकास हो, इस दृष्टि से ये आयोजन रखा गया है। ये पूरे विभाग का 21 स्थान से 408 भैया बहन इसमें सम्मिलित हुए हैं। और इसमें गीता पाठ, हमारे जीवन मूल्य को स्थापित करने वाले धार्मिक ग्रंथ से लेकर के प्रश्नावली, ऐसे अनेक आयोजन इसमें आयोजित किए जाते हैं जिनके माध्यम से बच्चों का विकास होता है। इस प्रकार का आयोजन यहाँ किया जाता है। विज्ञान मेला और विज्ञान प्रदर्शन से संबंधित भी कुछ प्रतियोगिताएँ यहाँ पर आयोजित हुई है। विज्ञान मेला से भी और विज्ञान प्रदर्शन से संबंधित, चूँकि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित हो, विद्यार्थियों का विज्ञान की ओर रुझान बढ़े, इस दृष्टि से मॉडल हो सकता है, विज्ञान से लेकर के उसकी रस्तमंच प्रतियोगिता हो सकती है। ऐसे अनेक प्रकार की प्रतियोगिता भी इसमें सम्मिलित की है जिससे बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।